So hello guys, this is our new video where we are discussing what is the concept of management. So there are various definition given by various writers like Mary Parker Follett, Coons and Donald and various other like Henry Fuel. So we are here discussing only two definition सो नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन इज मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर तो मैरी पार्कर फॉलेट ने बोला था कि मैनेजमेंट एक तरह की कला है जिससे आप अपना काम करवा सकते हो दूसरों के द्वारा दूसरों के द्वारा मतलब कि कौन हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो हमारे लोअर लेवल पे उनसे हमें कैसे काम करवाना है ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो है ये दिए है मैरी पार्कर कॉलेट ने और कूंस और डोनल ने बोला है कि मैनेजमेंट इज़ इस्टिशिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर पीपल ऑपरेटिंग इन फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप तो कूंस और डेनल ने बोला है कि मैनेजमेंट है ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है लोगों के लिए जो वहाँ पर काम कर रहे हैं कि वो उस एनवायरमेंट में अच्छी तरीके से करेक्ट टाइम पर काम कर पाएँ और ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए ये कूंस और डेनल डोनल uh, की डेफिनेशन है नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक दोनों चीज़ें एक ही होती हैं जो फीचर्स होते हैं वही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैनेजमेंट के तो पहला है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस जो मैनेजमेंट का काम है वो गोल ओरिएंटेड होता है हमें ऑब्जेक्टिव एक जो हमारा सेट ऑब्जेक्टिव है उसी के पीछे हमें अगले जो भी अपने नीचे काम करने और भी प्रोसेस करने तो उस जो गोल को पाने के लिए ही हम लोग जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस करते हैं तो हमारा मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है मींस हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव मैनेजमेंट इज़ परवेसिव हेर वर्ड परवेसिव मींस परवेसिव मतलब है कि मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है वेदर इट इज़ हॉस्पिटल हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट होता है लाइक like, आप प्लानिंग करते हो ऑर्गेनाइज करते हो जब किसी डॉक्टर की कमी पड़ जाती है या स्टाफ की कमी पड़ जाती है वहाँ पर भी आप डायरेक्ट करते हो मोटिवेट करते हो लीडरशिप के फंक्शन वहाँ पर भी आते कंट्रोल भी आप करते हो या स्कूल में भी आप देख लो तो वहाँ पर भी आप प्लानिंग करते हो ऑर्गेनाइजिंग करते हो डायरेक्टिंग करते हो कंट्रोलिंग स्टाफ नहीं सारे कोऑर्डिनेशन फंक्शन सारे मैनेजमेंट के फंक्शन आप अप्लाई करते हो तो इसीलिए मैनेजमेंट परवेसिव है मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है आप अपने घर में भी मैनेजमेंट करते हो हॉस्पिटल ऑफिस स्कूल लाइब्रेरी हर जगह मैनेजमेंट पाया जाता है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है मैनेजमेंट एक चीज़ को लेकर नहीं चलता है मैनेजमेंट जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलता है जैसे मैनेजमेंट इस मल्टी डायमेंशनल के अंदर तीन चीज़ें आती हैं फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो हम वर्क को कैसे काम को कैसे मैनेज करें तो इसके अंडर क्या क्या आएंगे मैनेजमेंट के ही तीन फंक्शन आएंगे प्लानिंग कैसे काम को प्लान करें ऑर्गेनाइज कैसे करें किसी भी चीज़ को डिवीजन ऑफ वर्क वर्क को कैसे बाँटें या किसी मटेरियल को कैसे किस जॉब पर लोटकेट करना है वो कैसे बांटे कंट्रोल कैसे करें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस का डिफरेंस देख रहा और नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल मैनेजमेंट ऑफ पीपल में दो चीज़ें आती हैं पीपल को कैसे हम लोग मैनेज करें स्टाफिंग के तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं रिक्रूट कर सकते हैं उसके बाद उनको स्टाफिंग करेंगे इस प्रोसेस से हम लोगों को मैनेज कर सकते हैं और डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग की वजह से हम लोग पीपल को मैनेज कर सकते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप ये काम करिए ये काम मत करिए ऐसे करिए मोटिवेट होंगे तभी तो तो इस वजह से हम लोग मैनेजमेंट ऑफ पीपल करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आता है जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती है मैनेजमेंट की जैसे प्रोडक्शन सेल्स उसको कैसे मैनेज करिए मैनेजमेंट और ऑपरेशन में आता है मैनेजमेंट कंटिन्यूस एक्टिविटी है आपने एक बार मैनेजमेंट के सारे फंक्शन अप्लाई कर दिए उसके बाद मैनेजमेंट खत्म नहीं हो जाता है कंट्रोलिंग के बाद फिर प्लानिंग शुरू होता है फिर ऑर्गेनाइजिंग शुरू होता है फिर स्टाफिंग फिर डायरेक्टिंग फिर कंट्रोलिंग सो so, ये कंटिन्यूस प्रोसेस एक सर्कल है जो गोइंग ऑन गोइंग है ऑन गोइंग है ये कभी ख़त्म नहीं होता है और मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है मैनेजमेंट आइसोलेशन में नहीं कर सकते आप मैनेजमेंट एक अकेले इंसान मैनेजमेंट थोड़ी ना करेगा मैनेजमेंट के लिए ग्रुप चाहिए हम लोगों के बहुत सारे जैसे कि हमारा कोई फाइनेंस है तो ग्रुप एक्टिविटी फाइनेंस का इफेक्ट मैनेजमेंट पर मार्केटिंग पे पड़ेगा मार्केटिंग का इफेक्ट प्रोडक्शन पे पड़ेगा मतलब कि सारे जो भी जो ग्रुप्स हैं प्रोडक्शन फाइनेंस ये सब इंटर रिलेटेड है एक का इफेक्ट एक पे पड़ता है और एक ये जब साथ साथ में काम करेंगे तभी तो मैनेजमेंट का गोल पूरा होगा सो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है मैनेजमेंट है वो डायनमिक फंक्शन है मीन्स ये मतलब स्टेबल नहीं है ये डायनमिक है ये इन्वायरमेंट सोशल कल्चरल जो भी हमारे इन्वामेंट है जो भी हमारे टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ गया तो हमें उस हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लाना होगा जैसे कि सब लोग कंप्यूटर पे चल रहे हैं तो हम लोग ये नहीं बोल सकते ना कि एक क्लिक कर काम करें आप लिख क्लिक के सारे वर्क कर नहीं कर सकते हमें मैनेजमेंट को उस हिसाब से अपने मैनेजमेंट के जो अंदर काम है उनको सबसे बदलना होगा ठीक है टेक्नोलॉजी में चेंज है उसे हिसाब से बदलेंगे सोसाइटी में कुछ चेंज है सी सब लोग अप्लाई करें हमें भी सी एस आर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर के लिए कुछ करना होगा इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना होगा सोसाइटी के लिए कुछ करना होगा तो जो जो चेंजेस आते हैं वो हमें अपना अप्लाई करने होते हैं अपने मैनेजमेंट फंक्शन में दैट इज अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमें करने होते हैं तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है इंटेलिजिबल है नेक्स्ट है इंटेलिजिबल मैनेजमेंट ऑब्वियसली बात है इंटेलिजिबल आप बोलते हो ना यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है वो आप फील करके बोलते हो आप उसे देख नहीं सकते हो दैट्स वाई इंटेलजिबल इंटेलिजिबल जिसे आप देख नहीं सकते हो बट यू कैन फील एंड टच फील इट यू कैन ऑल्सो नॉट टच इट यू कैन जस्ट फील इट बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो मैनेजमेंट है वो बैलेंस करता है एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस का मैं मतलब बता दे रही हूँ आपको सही समय पे काम करना आपको मींस एट आवर्स में आपको एक जॉब दी गई है इसे आप कंप्लीट करिए मींस अपने टारगेट को अचीव करिए तो ये बैलेंस करता है टाइम को और एफिशिएंसी मतलब रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करते हो यानी कि आपने रिसोर्स ज़्यादा यूज़ कर दिए कम टाइम में कर दिए नो बैलेंस होना चाहिए सही टाइम में भी करना और यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली यानी कि ओवर यूटिलाइजेशन किया अंडर यूटिलाइजेशन किया ठीक है सो so, ये हमारे फीचर्स और मैनेजमेंट है और आपको जो भी अगर और वीडियोस चाहिए और कुछ अगर चाहते हो कि मैं उसको और एलोबरेटली डिस्कस करूं सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ लाइक इट ओके